नमस्कार, आदाब। मैं इस्लाम अंसारी स्वागत करता हूँ आप सबका जन जागृत न्यूज चैनल में। आइए देखते। नमस्कार, स्वागत है आपका जन जागृत न्यूज पर। पशुधन बीमा कंपनी के एमडी को मांडा पुलिस ने किया गिरफ्तार। बता दें कि पशुधन कंपनी के बारे में मोहम्मद तैयब अली द्वारा बताया गया कि यह कंपनी भारतवर्ष के कई शहर में विस्तार पूर्वक ब्रांच था, लेकिन बंद कर दिया गया है, जिससे पशुधन कंपनी में निवेश करने वाले ग्राहक बहुत ही परेशान है। जैसे ही कंपनी के एजेंटों को पता चला कि कंपनी के एमडी मांडा पुलिस के हिरासत में है, वैसे ही कुछ देर बाद सैकड़ों एजेंटों की भीड़ मांडा थाने में जमा हो गया कंपनी के एमडी शिवजी गुप्ता से मिलने के लिए। लेकिन मांडा पुलिस ने मिलने से मना कर दिया और कंपनी के एमडी को न्यायालय भेज दिया गया। पशुधन कंपनी पशुपालन का व्यापार करती थी, जो कि अब पूर्णतः बंद है। कंपनी के एजेंट व निवेशक पुलिस प्रशासन और सरकार से समस्या के निस्तारण के लिए गुहार लगा रहे हैं। धन्यवाद। मैं जन जागरण न्यूज रिपोर्टर रितेश कुमार केसरी। कंपनी का पूरा नाम क्या था? पशुधन। पूरा नाम मतलब पशुधन ही है जी? पशुधन के नाम से थी और पूरा फुल फॉर्म इसका पशुधन जी। आपका नाम क्या है? मोहम्मद रोशन अली। जी, आप इस कंपनी के विषय में जो डायरेक्टर या सीएमडी पकड़े गए हैं शिवजी गुप्ता जी, इनके विषय में आपका क्या कहना है? भाई, इनको तो हमने कभी देखा नहीं, लेकिन ये जो एजेंट लोग हमारे जो साथी लोग थे, इन्होंने कहा कि कंपनी अच्छी है, आप लोग दीजिए। तो हम लोग भाई वहाँ पैसा हमने जमा कराया। अच्छा, आप लोगों ने पैसा लगाया? पैसा लगाया, लगभग करीबन 7-8 लाख रुपए हमने जमा किया जी। और इतने में फिर वो कंपनी फ्लाक हो गई। जब हम लोग का जब ये बॉन्ड पूरा हुआ तो देने का हुआ तो फ्लाक हो गई। लगभग कितने साल बाद कंपनी फ्लाक हुई? ये 6 साल बाद। अच्छा, कंपनी गवर्नमेंट की तरफ से बंद कराई गई या एजेंट सीएमडी के लापरवाही से? सीएमडी के लापरवाही से कंपनी बंद हुई। बंद हुई। कंपनी का मुख्य व्यवसाय क्या था, आप लोगों को पता है? पशुपालन था। अच्छा, पशुपालन था, बकरी पालन। कई जगह पशुपालन जिन्होंने 35 एकड़ जमीन खरीद करके इन्होंने प्रदीप पाठक असेंदर और शत्रुघ्न सिन्हा ने बताया था कि मैं एग्रीमेंट करा करके रखा हूँ, यदि अगर कंपनी भाग जाती है तो हम लोग आप लोगों को जो है ये प्लांट बेच करके आप लोगों को पैसा रिटर्न किया जाएगा। लेकिन ना हमें पैसा मिला ना प्लांट। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं हुआ? ऐसा कुछ नहीं हुआ। कंपनी का दो तीन बार नाम भी चेंज हुआ है। उस जमीन पर जो एमडी सीएमडी आते थे उनका नाम बराबर से बारी बारी से चेंज करके हटाते रहे अपनी कलम से और बैठाते रहे। कंपनी का आज तक ये नहीं पता चला कि वास्तविक एकर इसका जो है मुख्य ब्रांच या मुख्य मैनेजर कौन है किसी का। और मेजा रोड से भी जब बंद किया गया तो मेजा रोड से हटाया गया, भारतगंज ले आया गया था इस ब्रांच को। भारतगंज फिर 6 महीने चलाया गया, 6 महीने के बाद वो भी बंद कर दिया, वहाँ से भी बंद कर दिया। लगभग कितने सालों से बंद चल रहा है ये? लगभग तीसरा साल है। 3 साल हो गया। 3 साल हो गया। ठीक है। धन्यवाद मिर्जापुर में 3 जगह आपकी। क्या मामला है बताएंगे? मैं मोहम्मद तैयब अली, इंसान अली, मैं लैनी गाँव सुबह से आया हूँ। यहाँ पर भीड़ इसीलिए लगी है कि इन्होंने पशुधन लाइव इंडिया कंपनी मार्केटिंग लाइव स्टॉक इन्होंने चलाया था, जिससे कि लोगों से कह रहे थे कि 4 साल में आप लोगों का पैसा दुगना हो जाएगा। अभी तक तकरीबन कितने लोगों से पैसे जमा कराए होंगे? कम से कम नहीं है सर, तो ये लाखों लोगों से पैसा जमा कराया। अमाउंट कितना होगा लगभग? कम से कम 7 करोड़ रुपए। 7.5 करोड़। कौन सी कंपनी थी? पशुधन लाइव इंडिया कंपनी मार्केटिंग। इसकी ऑफिस यहाँ कहीं है? हाँ, इसकी ऑफिस मेजा रोड में खोली गई थी, सुराव गाँव में मिर्जापुर वाली रोड पर। अभी एक अभी पकड़ा गया था थाने पर? इसके अलावा यहाँ पर तो नहीं पकड़े गए थे, इनके खिलाफ कई जगह पर मुकदमे दर्ज हैं, जैसे कि रायबरेली और सीधी एमपी में। नहीं, अभी आपके इलाहाबाद जनपद के माड़ा थाने में जी, माड़ा किसी, थाने में किसी को पकड़ा गया था इससे संबंधित? हाँ, अभी शिवजी गुप्ता उनके बारे में जैसा बताइए जी। शिवजी गुप्ता को पकड़ा गया था, जिससे कि हम लोगों को सुबह में पता चली कि शिवजी गुप्ता को पकड़ करके माड़ा थाने में लाया गया है, जिस सूचना पर हम लोग सारे जितने एजेंट हैं यहाँ पर इकट्ठा हुए और माड़ा थाना पर आए, देखे तो शिवजी गुप्ता यहाँ पर उपस्थित थे, पर हम लोगों से मुलाकात नहीं कराई गई, जिससे कि हम लोग यहाँ पर इकट्ठा होकर के अपनी सारे क्वेश्चन सारे प्रश्न सारे एजेंट रखे गए और उनसे पूछताछ किए गए। उन्होंने कहा उनके साथ कार्रवाई की जा रही है और आप लोगों से मुलाकात कराई जाएगी, अभी मेडिकल के लिए रवाना किया गया। अभी इतने सैकड़ों की संख्या में लोग उपस्थित हैं, क्या सभी लोग एजेंट हैं? जी, यहाँ पर सारे लोग एजेंट हैं। अभी आप एजेंट हैं जी? आपने कितने पैसे जमा कराए होंगे? जी, 5 लाख रुपए के कंपनी में जमा किया गया है। जी,
आपका नाम क्या है? मोहम्मद तैयब अली। मोहम्मद तैयब अली, तो क्या जो पकड़े गए हैं ये डायरेक्टर हैं? जी, इनके पास जो अभी थाने कंपनी के सीएमडी हैं, जो थाने पकड़े गए थे अभी, उनके बारे में जैसा बताइए क्या है वो कंपनी के? जी, ये कंपनी के सीएमडी हैं और यही सर्वे सर्वा कंपनी को चलाने वाले हैं। ये बताए कि जो है हम मूल निवासी जो है नई दिल्ली के थे, रोहिणी के, लेकिन पकड़े जाने पर यह पता चला कि इनका मूल निवास रायबरेली में है और नई दिल्ली रोहिणी में मकान बना करके अपने परिवार के साथ में रह रहे हैं। इतनी भीड़ जो जुटी हुई है, यहाँ के इंस्पेक्टर महोदय ने क्या आश्वासन दिया? आश्वासन उन्होंने यही दिया है कि उनके साथ कार्रवाई की जा रही है, अभी मेडिकल के लिए भेजा गया, वहाँ से आते हैं तो मीडिया के सामने मैं आप लोगों की वार्तालाप कराते हैं, पर कोई वार्तालाप नहीं करा। अब बता रहे हैं कि उनको इलाहाबाद के लिए चालान भेज दिया गया। आप लोग क्या कल लग रहा है कि पुलिस आप लोगों का? हमें उम्मीद नहीं है कि यहाँ जो है, हमें पुलिस से उम्मीद है कि कोई उसके साथ कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि जब उन्होंने प्रेस के सामने जवाब देने के बावजूद हम लोगों से मुलाकात नहीं कराया, उनको वापस करा दिया। अच्छा, आप लोगों से मुलाकात नहीं कराया। अच्छा, जो कंपनी के सीएमडी है उनका नाम क्या है? शिवजी गुप्ता। शिवजी गुप्ता, और आप अपना नाम सहित निवास बताइए अपना। जी, मेरा नाम मोहम्मद तैयब अली है। जी, सन आप श्री इंसान अली, निवासी ग्राम लेहड़ी, थाना मेजा, जिला इलाहाबाद। ठीक है, मेजा रोड में भी ब्रांच है, जीना भी है यहाँ पे, मेजा ब्रांच के मैनेजर वो हैं, क्या नाम उनका? इस चैनल पर दिखाए जाने वाले सभी न्यूज से अपडेट रहने के लिए सब्सक्राइब करें जन जागृत न्यूज, सच के साथ साथ में बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।